हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 17। आइए फटाफट हम सेट नंबर 17 को शुरू करते हैं। ये हैं शुरू के 5 क्वेश्चन। कौन सा मंत्रालय है या संगठन है जिसने समर्थ नाम का एक महिलाओं को उद्यमिता उनमें प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव एक पहल शुरू करी है और इसका नाम रखा है उन्होंने समर्थ। किस मंत्रालय ने शुरू करा है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो चलती है उसके तहत डोनेट अ पेंशन अभियान किसने शुरू करा है? डोनेट अ पेंशन अभियान किस मंत्रालय ने शुरू करा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो ग्रे सूची और ब्लैक सूची में रखता है कंट्रीज को, उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं और कौन से कंट्री के हैं, दोनों बताना है। प्रियंका नुटक्की ये भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है, ये कौन से राज्य से हैं? प्रियंका नुटक्की कहाँ से हैं? अभी अभी सरकार ने डिसाइड करा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनेगा सूरत में, ये कौन सी नदी पे बनेगा? कौन सी नदी पे रिवर फ्रंट बनेगा? जैसे अहमदाबाद में साबरमती नदी पे है, सूरत में कौन सी नदी पे रिवर फ्रंट बनेगा? तो इसका आंसर लिखिए फटाफट। चलिए बताता हूँ, समर्थ शुरू करा है हमारे एमएसएमई मंत्रालय ने, ठीक है। नारायण राणे मंत्री हैं इस मंत्रालय के। समर्थ महिलाओं में उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए। डोनेट अ पेंशन अभियान शुरू करा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट बने हैं टी राजा कुमार, और ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के व्यक्ति हैं। ये नाम से इंडियन लग रहा है लेकिन ये सिंगापुर के हैं। प्रियंका नुटक्की जो हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं, विजयवाड़ा से हैं ये, तो ये आंध्र प्रदेश से हैं और सूरत तापी नदी के किनारे है, तो तापी नदी पे बनेगा रिवर फ्रंट। और यहाँ पे क्योंकि टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं, तो आपको एक दो चीज़ें सिंगापुर की बता देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो जो सिंगापुर है, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर के रास्ते से ही आता है। फिर इसरो ने अभी अभी जो पीएसएलवी C-53 मिशन किया था उसमें 3 सैटेलाइट सिंगापुर के लॉन्च किए थे। सिंगापुर में एक जगह है जिसका नाम है पडांग, ये वो जगह है जहाँ पे 1943 में जुलाई में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने सिंगापुर के पडांग से दिया था। और सिंगापुर की सरकार इस जगह को एक धरोहर के रूप में प्रिजर्व करेगी, कंजर्व करेगी, इसका संरक्षण करेगी, राइट। पडांग को एक वहाँ के विरासत के रूप में देखती है सिंगापुर की सरकार। फिर भारत के पूर्व नेवी के चीफ सुनील लांबा, अभी तो आर हरि कुमार हैं लेकिन इनसे पहले सुनील लांबा थे, इनको सिंगापुर की सरकार ने एक सम्मान दिया है जिसका नाम है पिंगट जासा गेमिलांग, पिंगट जासा गेमिलांग। और सिंगापुर के साथ हम एक युद्धाभ्यास करने वाले हैं अग्नि वॉरियर, ये कहां पे होगा? ये देवलाली छावनी में होगा जो नासिक में है महाराष्ट्र में, ये भारत की सबसे स्वच्छ छावनी भी है देवलाली। और सिंगापुर के साथ एक सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भी भारत ने किया जो विशाखापट्टनम में हुआ था। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स में अगर मैं एस हटा दूं तो बन गया इम्बेक्स, इम्बेक्स हम करते हैं म्यांमार के साथ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कौन सा सुपर कंप्यूटर है अभी अभी जो IIT रुड़की में लगाया गया है? आपको उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है जो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। 7 मार्च का दिन कौन से राज्य की सरकार है जो 100 साल के रूप में जिन्होंने ऑब्जर्व किया पाल दाधव हत्याकांड जो हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड बोलते हैं, पाल दाधव मैसेकर कहाँ पे हुआ था? इसके 100 साल पूरे हुए 7 मार्च 2022 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बेसिक फोन होते हैं, यानी कि जो स्मार्टफोन नहीं होते, जो फीचर फोन होते हैं, उनमें डिजिटल पेमेंट आप कर सको, उसके लिए एक स्पेशल UPI लॉन्च किया था, उस UPI का नाम क्या था?
भारत के कौन से राज्य ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करी है जिससे जो महिलाएं हैं उन्हें हम उद्यमी बना सकें, एंटरप्रेन्योर बना सकें? तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य ने शुरू करी है? कौन से राज्य की सरकार है जो हर जिले में एक हाई क्वालिटी टेलीस्कोप लगा रही है जिससे रात के समय में नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, यानी कि लोग जो हैं वो एस्ट्रो टूरिज्म कर सकें? ठीक है, रात में तारे देखना, ये सब चीज़ें करना, प्लैनेट्स देखना, तो एस्ट्रो टूरिज्म बोलते हैं इसे, खगोल पर्यटन बोलते हैं इसे। तो ये कौन से राज्य ने करा है अभी अभी, बताइए कमेंट्स में लिख के, इसमें लिखिए, आंसर लिखिए फटाफट। चलिए बताता हूँ, देखिए पहले हम आईआईटी की बात करेंगे, आईआईटी रुड़की की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर लगा है वो है परम गंगा। परम गंगा पाल दाधव हत्याकांड जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे हत्याकांड हुआ था और माना जाता है कि जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे मरे थे, राइट? तो ये भी आपको नहीं भूलना है। पाल दाधव मैसेकर कहाँ हुआ था वैसे? ये साबरकांठा जो जिला है वहां पे हुआ था, साबरकांठा जिला में हुआ था पाल दाधव मैसेकर। तो 7 मार्च को 100 साल पूरे हुए। जो यूपीआई लॉन्च हुआ है स्पेशल जो बेसिक फोन्स के लिए, वो है यूपीआई 123 पे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा की सरकार ने शुरू करी है। इसमें वो महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी पूरे परिवार की 5 लाख रुपए से कम है वो 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। और हाई क्वालिटी टेलीस्कोप जो लगाए हैं वो राजस्थान की सरकार ने लगाए हैं, तो आंसर है राजस्थान। यहाँ पे ये मैं सुपर कंप्यूटर आपको बता रहा था, तो एक सुपर कंप्यूटर परम शक्ति है जो लगाया गया है आईआईटी खड़गपुर में, राइट? एक है परम शिवाय, परम शिवाय लगाया गया है आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। एक सुपर कंप्यूटर है परम अनंत, ये लगाया गया है आईआईटी गांधीनगर में, आईआईटी गांधीनगर में। तो जो भी ये सुपर कंप्यूटर हैं परम वाले, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और एक परम प्रवेग भी है जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में लगाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, उसका नाम है परम प्रवेग। तो 5 सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं रिसेंटली, 5ों के जो नाम हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इज इट अंडरस्टूड? एक और बच गया, परम पोरुल, ये लगाया गया है एनआईटी त्रिची में। त्रिची मतलब तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में शहर है। तो रिपीट कर देते हैं, परम गंगा, परम गंगा आईआईटी रुड़की जो हमने क्वेश्चन पूछा था, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम शिवाय आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर, परम प्रवेग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और परम पोरुल एनआईटी त्रिची। आई होप अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमारी जो सरकार है उन्होंने नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाया है, ठीक है? ये जो सरकारी जमीन है, बहुत सारे हमारे विभाग हैं, मंत्रालय हैं जिनके पास जमीन खाली पड़ी है, तो ये उस जमीन को मोनेटाइज करने के लिए, उनको किराए पे देना है, बेचना है, क्या करना है, तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करेगा? WHO के साथ मिलकर भारत ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी परंपरागत औषधि, परंपरागत जो चिकित्सा है उसके लिए एक वैश्विक केंद्र लगाया है। ये गुजरात के कौन से शहर में स्थापित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये गुजरात के कौन से शहर में स्थापित किया गया है? यून सुक योल ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यून सुक योल। ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ये हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, इनका संबंध किस खेल से है मोंडो डुप्लांटिस का? भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का स्टैचू जिसमें भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, रिक्लाइनिंग मुद्रा में है, सो जो लेटी हुई मुद्रा में है, वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भगवान बुद्ध का ये स्टैचू जिसमें वो लेटे हुए हैं? ये सबसे बड़ा स्टैचू होगा भगवान बुद्ध का इस मुद्रा में, ये आपको बताना है, लिखिए आंसर।
चलिए बताता हूँ। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन जो ये है कॉरपोरेशन, ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। यून सुक्योल जो हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। मोंडो डुप्लांटिस का खेल है पोल वॉल्ट, और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं, ये हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। लार्जेस्ट डिक्लाइनिंग स्टैचू बोध गया में स्थापित किया गया है, और बोध गया कहाँ है, बोध गया जो है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ यहाँ पे आपको। भारत का सबसे लंबा स्टील से बना हुआ जो पुल है, महात्मा गांधी सेतु, वो खोल दिया गया है। 5.75 किलोमीटर गंगा नदी पे है, ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। फिर बिहार का जो मिथिला मखाना है उसे GI टैग मिला है अभी अभी, ये भी मत भूलिए। बिहार में एक योजना चलती है जीविका, ठीक है, जीविका चलती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और 411 मीटर लंबा भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम, रबड़ से बना हुआ जो बांध है जिसका नाम है गया जी बांध, ये बना है बिहार में। यहाँ पे एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद जो मंदिर है, पितृपक्ष मेला भी लगता है यहाँ पे। तो ये रबड़ का जो बांध है ये पानी को संचय करेगा, पानी का, पानी की कमी नहीं होगी, और ये फल्गु नदी पे बना है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और सन 2021-22 में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य था बिहार, मशरूम सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे, ये समझ में आया आपको। और इसके अलावा बस बिहार में यही आएगा, बाकी शहीद दिवस मनाया गया 15 फरवरी तो को तारापुर में नरसंहार हुआ था मुंगेर जिले में। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि जो मैथिली ठाकुर है उन्हें खादी के लिए एम्बेसडर बनाया है, जो पहले मनोज तिवारी को बनाया था, खादी को प्रमोट करने के लिए जो बनाया था। नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये पूछ सकते हैं। तो बस यही सब आएगा बिहार से। चलिए हमारे आखिरी 5 सवाल इस वीडियो के। कौशल्य मातृत्व योजना भारत के किस राज्य की योजना है? पल्ले प्रगति और पटन प्रगति, ये योजनाएं किस राज्य की हैं? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये इसका चेयरमैन कौन बना है नया? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, इसका चेयरमैन कौन बना है? भारत का कौन सा राज्य है जो महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड देकर सम्मानित करेगा? ये नया अवार्ड जो है स्टार्ट करा है इस राज्य ने, सुषमा स्वराज अवार्ड इसे कहा गया है। वुमेन एट वर्क प्रोग्राम भारत के किस राज्य ने शुरू करा है? इसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो स्किल्ड महिलाएं हैं, इस प्रोग्राम का नाम है वुमेन एट वर्क। देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना ये है कि अगर लड़की पैदा होती है, दूसरी बार लड़की पैदा होती है, तो सरकार कुछ पैसा देगी जिससे उसका भरण पोषण हो सके। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। पल्ले प्रगति मतलब गांव का विकास, पटन प्रगति मतलब शहर का विकास। तो ये योजना तेलंगाना सरकार की है, पल्ले प्रगति और पटन प्रगति। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं 3 साल के लिए अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे। सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा सरकार शुरू करेगी, क्योंकि हरियाणा से थी सुषमा स्वराज, तो भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। वुमेन एट वर्क प्रोग्राम, वाओ वाओ प्रोग्राम भी बोलते हैं वुमेन एट वर्क, तो ये शुरू करा है कर्नाटक की सरकार ने। ये था हमारा सेट नंबर 17, बहुत जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 18 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।